Hello students, welcome back to the next lecture of the series. In last lecture we have already seen what is the difference between a machine and a mechanism and how can we differentiate between a mechanism and a machine. And we also see different kinds of links, what is the definition of kinematic link and what are the different kinds of links available. And we also talk about the relative motions which are possible between two links in a mechanism. So now come to the next topic, pairing elements. So whenever there is a connection between two links, that connection is known as joint. But when that connection give us constrained relative motion, इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से सुनना है. When due to that connection we are receiving a constrained relative motion, then that joint is known as kinematic joint or kinematic link. ठीक है, मेरे कहने का मतलब बस इतना ही है. जब भी दो अलग अलग लिंक एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होंगे तो उस जो जंक्शन है जहां पर वो दो ज्वाइन है उसको हम क्या बोलते हैं, ज्वाइंट. ठीक है, और ये ज्वाइंट काइनेमेटिक पेयर या फिर काइनेमेटिक ज्वाइंट कब कहलाएगा, व्हेन ड्यू टू दिस कनेक्शन वी ओनली रिसीव कंस्ट्रेंट रिलेटिव मोशन. जब इन दोनों लिंक के बीच में सिर्फ कंस्ट्रेंट रिलेटिव मोशन होगा, ठीक है, देन दैट ज्वाइंट और दैट दैट कनेक्शन इज नोन एज काइनेमेटिक. ठीक है, तो काइनेमेटिक पेयर की काइनेमेटिक पेयर और काइनेमेटिक एलिमेंट इसके एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं. द ज्योमेट्रिक फॉर्म बाय विच टू मेंबर्स ऑफ अ मैकेनिज्म आर जॉइंट. ठीक है, सो दैट द रिलेटिव मोशन बिटवीन दीज टू इज कंसिस्टेंट एंड कंस्ट्रेंड. ठीक है, सच अ पेयर इज कॉल्ड काइनेमेटिक पेयर. तो दो लिंक्स को ज्वाइन करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट दीज आर ओनली ज्वाइंट. बट वो ज्वाइंट काइनेमेटिक ज्वाइंट या काइनेमेटिक पेयर कब कहलाएगा, व्हेन ड्यू टू दैट ज्वाइंट द लिंक्स कैन डू कंस्ट्रेंट रिलेटिव मोशन. ओके, तो यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हो, स्क्वायर होल एंड स्क्वायर शाफ्ट. ठीक है, इन दिस सो दिस इज द ज्वाइंट. ठीक है, एंड दिस इज अ काइनेमेटिक ज्वाइंट ऑल्सो बिकॉज देयर इज ओनली वन रिलेटिव मोशन पॉसिबल फॉर द शाफ्ट इन द हिंज जॉइंट और रिवोल्यूट जॉइंट. ठीक है, सो लिंक टू कैन ओनली रोटेट अराउंड लिंक वन. ठीक है, देयर इज नो अदर काइंड ऑफ मोशन पॉसिबल ड्यू टू विच, ड्यू टू दिस जॉइंट. ठीक है, तो इस जॉइंट के कारण ही कोई दूसरा मोशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए इस जॉइंट को मैं क्या बोल सकता हूँ, काइनेमेटिक जॉइंट और काइनेमेटिक पेयर. ठीक है, तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक पेयर. ठीक है, तो हम यहाँ पर काइनेमेटिक पेयर की बात कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ मींस कंस्ट्रेंट रिलेटिव मोशन. ठीक, तो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ काइनेमेटिक पेयर अवेलेबल, सो इनके थोड़ा थोड़ा करके कैरेक्टराइजेशन कर लेते हैं. ठीक है, नंबर वन, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द एलिमेंट्स. ठीक है, दो डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच में कॉन्टैक्ट कैसा है उस पर डिपेंड करेगा. ठीक है, सो नंबर वन इन दिस कैटेगरी, नंबर वन इज लोअर पेयर. अगर दो लिंक के बीच में सरफेस कॉन्टैक्ट हो रहा है, ठीक है, देन दैट कनेक्शन इज नोन एज, दैट जॉइंट इज नोन एज लोअर पेयर. द जॉइंट बाय विच टू मेंबर्स आर कनेक्टेड एज सरफेस कॉन्टेक्ट. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है. ठीक है, यही पहचान है हमारे लोअर पेयर की. अगर दो लिंक्स के बीच में सरफेस कॉन्टेक्ट हो रहा है, देन द पेयर विद विच दीज टू लिंक्स आर कनेक्टेड इज नोन एज लोअर पेयर. ठीक है, तो अ पेयर इज सेड टू बी अ लोअर पेयर व्हेन द कनेक्शन बिटवीन द टू एलिमेंट्स इज थ्रू द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट. ठीक है, सरफेस कॉन्टेक्ट मीन्स वहां पर जो कॉन्टेक्ट है वहां पर एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट हो रहा है. ठीक है, तो लोअर पेयर को भी मैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकता हूँ. ठीक है, रिवोल्यूट और टर्निंग पेयर, दिस इज द एग्जांपल रिवोल्यूट और टर्निंग पेयर. ठीक है, ड्यू टू दीज स्टॉपर्स दिस शाफ्ट कैन ओनली रोटेट इनसाइड द होल. ठीक है, सेकंड इज प्रिज्मेटिक पेयर और स्लाइडिंग पेयर. मीन्स वन एलिमेंट कैन ओनली स्लाइड इनसाइड द अदर एलिमेंट. ठीक है, तो यहाँ पर एक ही रिलेटिव मोशन पॉसिबल है, दैट this link can only slide inside this link.
ठीक है. सो दिस टाइप ऑफ जहां पर स्लाइडिंग हो रही होगी, दिस टाइप ऑफ जॉइंट और दिस टाइप ऑफ पेयर इज नोन एज स्लाइडिंग पेयर और प्रिज्मेटिक पेयर. ठीक है, इनके दोनों नाम याद रखने हैं. क्वेश्चन में कभी कभी प्रिज्मेटिक पेयर भी बोल सकता है, स्लाइडिंग पेयर भी बोल सकता है, इसलिए दोनों नाम पे ध्यान देना. ठीक है, थर्ड. अच्छा, आप इसमें देख लो, इसमें भी एरिया कॉन्टेक्ट हो रहा है. ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस है, ठीक है, इट इज एरिया कॉन्टेक्ट बिटवीन दैट होल एंड दिस शाफ्ट. ठीक है, तो दिस इज अ लोअर पे. यहां पर भी आप देखोगे जो कॉन्टेक्ट है वो कैसा है, एरिया कॉन्टेक्ट. सो दिस इज ऑल्सो अ लोअर पे. अच्छा, स्क्रू और हेलिकल पे. सो वेन एवर देयर इज अ कनेक्शन सच दैट अ नट एंड अ स्क्रू पेयर, दिस इज ऑल्सो अ लोअर पेयर. क्यों? अगर आप देखोगे जो नट के थ्रेड्स हैं और जो मेरे स्क्रू के थ्रेड्स हैं, उन दोनों के बीच में कैसा है, सरफेस कॉन्टेक्ट मीन्स एरिया कॉन्टेक्ट हमने वहां पर आना. ठीक है, सो नट एंड स्क्रू पेयर इज ऑल्सो अ लोअर पेयर. सिलेंड्रिकल पेयर, दिस इज द सेम एग्जाम्पल्स, सर्कुलर होल एंड सर्कुलर शाफ्ट विदाउट स्टॉप. ठीक है, तो यहां पर मेरे दो मोशन पॉसिबल हैं, बट स्टिल इट इज अ लोअर पेयर. ठीक है, क्योंकि यहां पर सरफेस एरिया कॉन्टेक्ट में आ रहा है, दैट मीन्स इट इज अ लोअर पेयर. स्पेरिकल और ग्लोबुलर पेयर, आपने जॉयस्टिक्स देखी होंगी वीडियो गेम में या रिमोट कंट्रोल में. ठीक है, सो इन व्हाट इज, या फिर हमारा जो नी जॉइंट है, नी जॉइंट मतलब हमारा शोल्डर जॉइंट, नी जॉइंट, तो यहाँ पर क्या है, इट इज अ बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट. सो दैट बॉल एंड सॉकेट हैव अ सरफेस कॉन्टेक्ट बिटवीन देम और एरिया कॉन्टेक्ट बिटवीन देम, सो दिस इज ऑल्सो अ लोअर पेयर. ठीक है, तो लोअर पेयर काइनेमेटिक्स पेयर का हम कैरेक्टराइजेशन कर रहे हैं. और इसमें हमारा सबसे पहला बेसिस क्या है, बेसिक ऑन द बेस ऑफ द कॉन्टेक्ट बिटवीन द एलिमेंट्स. ठीक है, तो इसमें जो हमारा सबसे पहला है लोअर पेयर. लोअर पेयर की क्या पहचान है, द टू लिंक्स आर कनेक्टेड हैव सरफेस एरिया इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर. तो इस तरह के जो भी ज्वाइंट होंगे मेरे, उनको मैं क्या बोलूंगा, लोअर पेयर. अगेन इसमें जो सेकेंड पार्ट इज हायर पेयर, तो वहां पर सरफेस कॉन्टेक्ट हो रहा था, हायर पेयर में क्या होगा, इन हायर पेयर टू एलिमेंट्स टू लिंक्स हैव लाइन और पॉइंट कॉन्टेक्ट बिटवीन देम. ठीक है, तो यहां पर ये एग्जाम्पल देख सकते हो आप बॉल बियरिंग का. ठीक है, तो ये बॉल्स और ये जो बियरिंग की इंटरनल सरफेस है और एक्सटर्नल सरफेस, तो इनके बीच में यहां पर कैसा है, तो देर इज अ लाइन कॉन्टेक्ट. और इन 2D में अगर हम देखेंगे, सो वी इट इज अपियर एज अ पॉइंट कॉन्टेक्ट. ठीक है, गियर्स, गियर्स आर ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ हायर पेयर, गियर इज ऑल्सो अ पेयर. ठीक है, वहां पर हमारा कैसा होता है, लाइन कॉन्टेक्ट. तो जहां पर भी लाइन कॉन्टेक्ट जनरली इन 3D या फिर पॉइंट कॉन्टेक्ट जनरली इन 2D फिगर, ठीक है, जहां पर भी ऐसा कोई कनेक्शन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, हायर पेयर. आगे चलते हैं. ठीक है, सेकेंड कैरेक्टराइजेशन है हमारा बेस्ड ऑन द रिलेटिव मोशन बिटवीन द पेयरिंग एलिमेंट. तो वहां पर हमने कॉन्टेक्ट एरिया कैसा था, कॉन्टेक्ट कैसा है दो लिंक्स के बीच में, उसके बेस पे करेक्टराइज करा था. यहाँ पर ये अलग टाइप ऑफ करेक्टराइजेशन है बेस्ड ऑन द रिलेटिव मोशन बिटवीन द पेयरिंग एलिमेंट, कि दो पेयरिंग एलिमेंट्स के बीच में रिलेटिव मोशन कैसा है. ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो स्लाइडिंग पेयर होगा, वन लिंक कैन स्लाइड इन अनदर लिंक. ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखो इस पेयर को अगर मैं देखूं, तो लिंक वन एंड लिंक टू, तो देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ मोशन पॉसिबल. ठीक है, बिटवीन दीज टू लिंक्स, सो इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम को आगे बहुत अच्छे से डिफाइन करेंगे, बट यहाँ पर ये जो मेरा पेयर है, इसके कारण ये दोनों लिंक सिर्फ एक टाइप ऑफ इंडिपेंडेंट मोशन कर सकते हैं, वो कौन सा है, स्लाइडिंग. तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, वन. ठीक है, तो स्लाइडिंग पेयर हो सकता है मेरा, इन विच वन पेयर, वन लिंक इज स्लाइडिंग इन साइड द अनदर लिंक. और दूसरा क्या हो सकता है मेरा, टर्निंग पेयर, और रिवोल्यूट पेयर भी बोलते हैं इसको. ठीक है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रिवोल्यूट पेयर. तो यहां पर क्या हो रहा है, ड्यू टू दैट स्टॉपर दिस शाफ्ट, दिस लिंक टू कैन ओनली रोटेट इन साइड द लिंक वन. ठीक है, तो इस तरह की पेयर को हम क्या बोलते हैं, रिवोल्यूट पेयर. तो यहां पर भी इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है मेरी, वन. ठीक है, ये हमारे दो टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन हो गए, स्लाइडिंग पेयर हो गया, रिवोल्यूट पेयर हो गया. ठीक है, स्लाइडिंग में सिर्फ स्लाइडिंग पॉसिबल है दो लिंक्स के बीच में, टर्निंग पेयर में सिर्फ रोटेशन पॉसिबल है, सिर्फ रिवोल्यूशन ऑफ द शाफ्ट पॉसिबल है. ठीक है,
दिस इज अनदर टाइप। एंड थर्ड इज सिलेंड्रिकल पेयर। तो सिलेंड्रिकल पेयर की अगर आप डिग्री ऑफ फ्रीडम देखें तो दो है, ओ एंड इट इज क्लियरली विजिबल इन द फिगर। ठीक है, दिस इज एग्जांपल ऑफ स्क्वायर होल एंड स्क्वायर शाफ्ट। ठीक है, लिंक वन एंड दिस इज लिंक टू। सो इन दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट द लिंक टू कैन स्लाइड इन साइड द होल एंड इट कैन ऑल्सो रोटेट इन साइड द होल। तो यहाँ पर इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, इट कैन डू टू टाइप्स ऑफ इंडिपेंडेंट मोशन। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गई, टू। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ पेयर इज नोन एज सिलेंड्रिकल पेयर। थर्ड इज सॉरी फोर्थ इज रोलिंग पेयर। तो रोलिंग पेयर या फिर रैपिंग पेयर, तो जैसे फॉर एग्जांपल द चेन एंड बेल्ट ड्राइव। और आप यहां पर देख सकते हो जब दो एलिमेंट्स के बीच में सिर्फ रोलिंग मोशन पॉसिबल हो, ठीक है, एक दूसरे को ओवरलैप करके सिर्फ रोलिंग पॉसिबल हो, दैट टाइप ऑफ पेयर इज नोन एज रोलिंग पेयर। ठीक है, तो हमने दो टाइप्स ऑफ कैरेक्टराइजेशन देख लिया है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया, कॉन्टैक्ट ऑफ द कॉन्टैक्ट सर्फेस बिटवीन द टू लिंक्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव मोशन। नाउ द थर्ड कैटेगरी, इट इज द सेम कैटेगरी बेस्ड ऑन द रिलेटिव मोशन बिटवीन द एलिमेंट्स। इसमें हमारा जो आ जाता है फिफ्थ कैटेगरी इज स्पेरिकल पेयर। ठीक है, तो स्पेरिकल पेयर इज अ 3D जॉइंट। ठीक है, इसमें क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है इसमें, फॉर एग्जाम्पल जॉयस्टिक, एंड इट हैज 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये तीनों डिग्री मतलब एक्स डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है, वाई डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है और रिवॉल्व भी कर सकता है अराउंड द जेड डायरेक्शन। सो इट हैज 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, सो इसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है हमारा, एल्बो जॉइंट या फिर बोल सकते हैं हम शोल्डर जॉइंट और अवर नी जॉइंट या फिर जॉयस्टिक। ठीक है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव मोशन देयर इज अनदर एग्जाम्पल, अनदर कैरेक्टराइजेशन इज हेलिकल पेयर और स्क्रू पेयर। ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या लिखी है, वन। बट अगर आप गौर करो तो जो स्क्रू है वो नट के अंदर रोटेट भी कर सकता है और ऊपर नीचे मूव भी कर सकता है, तो यहाँ पर इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम वन क्यों लिखी। ठीक है, पहले तो इसी चीज को देख लेते हैं। यहाँ पर हम रिलेटिव मोशन के बेसिस पे कैरेक्टराइजेशन कर रहे हैं, और अगर मैं स्क्रू पेयर को देखूं तो यहाँ पर ये जो दोनों मोशन है, रोटेशन एंड ट्रांसलेशन, ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ठीक है, मैंने अभी तक जहां पर भी डिग्री ऑफ फ्रीडम बोला है वहां पर इंडिपेंडेंट मोशन बोला। ठीक है, बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये दोनों मोशन एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, रोटेट करेगा तभी ये ट्रांसलेट कर पाए। ऐसा नहीं है कि अगर ये सिर्फ ट्रांसलेट कर ले और रोटेट ना करे। सो दिस देयर इज टू मोशन पॉसिबल बट दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो यहाँ पर इसका जो नेट डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो क्या होगा, वन। तो यहाँ पर मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की डेफिनेशन का थोड़ा सा आइडिया दे सकता हूँ आपको। ठीक है, तो किसी भी मोशन को डिफाइन करने के लिए जितने भी इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स रिक्वायर्ड है दैट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ दैट सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर दो तरह के मोशन पॉसिबल है मेरे पास, ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, बट दीज बोथ ऑफ देम आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट हेलिकल स्क्रू पेयर हैव वन डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अगर एक बार दोबारा से दिखाऊं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के बेसिस पे हमने कितने रिलेटिव मोशन के बेसिस हमने कितने कैरेक्टराइजेशन किए हैं, स्लाइडिंग पेयर, टर्निंग पेयर, सिलेंड्रिकल पेयर, रोलिंग पेयर, स्पेरिकल पेयर एंड हेलिकल पेयर। ठीक है, तो रिलेटिव मोशन की बात करूंगा तो वहां पर मुझे डिग्री ऑफ फ्रीडम भी पता होनी चाहिए। ठीक है, सो अगेन दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ कैरेक्टराइजेशन ऑफ द काइनेमेटिक पेयर बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ मैकेनिकल कंस्ट्रेंट। ठीक है, मींस ड्यू टू फॉर्म वहां पर उसका क्लोजर कैसा है। तो अगर मैं इसको देखूं, फर्स्ट वन क्लोज्ड पेयर, तो अगर आप ये एग्जांपल देखो इट इज एग्जांपल ऑफ स्क्वायर होल एंड स्क्वायर शाफ्ट। तो स्क्वायर शाफ्ट को स्क्वायर होल के अंदर फिक्स रखने के लिए मुझे कोई एक्सटर्नल कुछ एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट नहीं लगाना पड़ता, उसकी ज्योमेट्री ही ऐसी है कि शाफ्ट स्क्वायर होल के अंदर ही रहे। ठीक है, तो मीन मुझे यहाँ पर कोई एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट नहीं लगाना पड़ रहा शाफ्ट को होल के अंदर रखने,
और यहाँ पर एक ही मोशन पॉसिबल है मेरा, स्लाइडिंग मोशन। बट वहीं पर अगर मैं इस दूसरे एग्जांपल की बात करूं, कैम एंड फॉलोवर मैकेनिज्म, ठीक है, तो कैम यहाँ पर हमारी रोटेट करेगी, कैम का सेंटर ये है, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द बोथ कैम एंड्स। तो जब भी फॉलोवर हमारे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के कॉन्टेक्ट में आएगा, ठीक है, मीन्स इट इज मूविंग डाउन, फॉलोवर इज मूविंग डाउन, और जब हमारा आफ्टर रोटेशन दिस पार्ट, ठीक है, ये जो पार्ट हमारा दिस पार्ट केम इन कॉन्टेक्ट विद द फॉलोवर, देन फॉलोवर मूव्स अप, क्लियर। जब ये लार्जेस्ट डिस्टेंस इस पॉइंट पे फॉलोवर इसके कॉन्टेक्ट में आएगा, देन फॉलोवर विल मूव अप टू द हाइएस्ट पॉइंट। तो फॉलोवर को वापिस इसके कॉन्टेक्ट में लाने के लिए अब ये क्या है हमारा अनक्लोज्ड पेयर, ठीक है। तो फॉलोवर को वापस इसके कॉन्टेक्ट में लाने के लिए मुझे यहां पर एक एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, दैट इज स्प्रिंग, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पर ट्रिमर का एग्जांपल दूंगा, जब भी आप ट्रिमर में देखोगे कैम एंड फॉलोवर में एक स्प्रिंग भी लगा रहता है, तो दैट स्प्रिंग इज बाउंडिंग, दैट स्प्रिंग इज बाउंडिंग द फॉलोवर विद द कैम, ठीक है। अगर वो स्प्रिंग नहीं होगा तो फॉलोवर और कैम में हमेशा के लिए कॉन्टेक्ट नहीं रह पाएंगे, ठीक है, सो इट विल नॉट वर्क प्रॉपरली। बट अगर मैं यहाँ पर इसी पहले एग्जाम्पल को देखूंगा, यहाँ पर मुझे किसी भी एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट की जरूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ पर हमेशा इन दोनों के बीच में क्लोजर बना रहेगा, दोनों एक दूसरे के हमेशा कॉन्टेक्ट में रहेंगे। बट अगर यहाँ पर मैं स्प्रिंग नहीं दूंगा, देन द कॉन्टेक्ट बिटवीन द फॉलोवर एंड कैम विल बी will not possible at all the time, ठीक है। तो on the basis of mechanical constraint हमारा क्या हो सकता है, closed pair हो सकता है, which is closed by its geometry, उसकी geometry ऐसी है कि हमेशा वो closed रहेगा, या फिर unclosed और foreclosed pair रहेगा, unclosed है but एक दूसरे के contact में रखने के लिए मुझे forcefully उसको connection में लाना पड़ रहा है, और वो force जो मैं इसको दे रहा हूँ with the help of spring, that is known as एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट, ठीक है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेयर हमने देख लिए, इसमें हम एक चीज और देख लेते, जो हमारा लोअर पेयर था, लोअर पेयर में जो हमारे रिवोल्यूट और टर्निंग पेयर, ठीक है, रिवोल्यूट एंड टर्निंग पेयर, इसकी एक करेक्टराइजेशन और देख लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्वाइंट एंड पेयर, बाइनरी ज्वाइंट, बाइनरी ज्वाइंट क्या है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हो, लिंक वन एंड लिंक टू आर कनेक्टेड विद अ रिवोल्यूट पेयर। रिवोल्यूट पेयर इज जस्ट लाइक अ हिंज। अगर आप अपनी वॉल और गेट के बीच में देखो तो जो कनेक्शन है दैट इज हिंज। सो रिवोल्यूट पेयर इज जस्ट लाइक अ हिंज इन विच ओनली रोटेशन मोशन इज पॉसिबल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक कनेक्शन है, यहाँ पर ये वाला, ठीक है। तो लिंक वन और लिंक टू एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर एक जॉइंट से दो लिंक कनेक्टेड है, दैट इज नोन एज बाइनरी जॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ कौन सा रिलेटिव मोशन पॉसिबल है, सिर्फ एक रिलेटिव मोशन पॉसिबल है, वन टू के रेस्पेक्ट में मूव करेगा या फिर टू वन के रेस्पेक्ट में मूव करेगा, ठीक है। तो इस तरह के जॉइंट को हम बोलते हैं बाइनरी जॉइंट। अगर एक रिवोल्यूट पेयर से दो लिंक कनेक्टेड है, देन इट्स दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज नोन एज बाइनरी जॉइंट। अच्छा, वहीं पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर एक रिवोल्यूट पेयर से, अगर एक रिवोल्यूट पेयर से हमारे तीन लिंक कनेक्टेड, वन टू एंड थ्री, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर कितने रिलेटिव मोशन तीनों लिंक्स में पॉसिबल है, लिंक टू लिंक वन के रेस्पेक्ट में रोटेट कर सकता है, ठीक है, लिंक थ्री लिंक टू के रेस्पेक्ट में रोटेट कर सकता है, एंड लिंक थ्री कैन ऑल्सो रोटेट विद रेस्पेक्ट टू लिंक वन, ठीक है, क्लियर। तो यहां पर हमारे जो इंडिपेंडेंट, अच्छा यहां पर अगर आप देखो तो तीन रिलेटिव मोशन आपको दिख रहे होंगे, लिंक वन लिंक टू रोटेट विद रेस्पेक्ट टू लिंक वन, लिंक थ्री रोटेट विद रेस्पेक्ट टू लिंक टू, एंड लिंक थ्री रोटेट विद रेस्पेक्ट टू लिंक वन। तो यहां पर आपको तीन रिलेटिव मोशन दिख रहे होंगे, बट अगर इन तीनों रिलेटिव मोशन को मैं एनालाइज करूं, ठीक है, तो यहां पर सिर्फ दो इंडिपेंडेंट रिलेटिव मोशन, ठीक है,
तो वन विद रेस्पेक्ट टू टू एंड वन विद रेस्पेक्ट टू थ्री, तो थ्री एंड टू विल ऑल्सो मूव टू द रिलेटिव मोशन विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर. ठीक है, तो यहां पर क्या है, तीन रिलेटिव मोशन पॉसिबल है, बट अगर मैं इंडिपेंडेंट रिलेटिव मोशन की बात करूं तो सिर्फ दो. तो अगर मैं कोई भी दो रिलेटिव मोशन के बारे में मुझे पता है, अगर मुझे इन दोनों के बारे में पता है, तो मैं रिलेटिव मोशन ऑफ थ्री विद रेस्पेक्ट टू वन इजिली कैलकुलेट कर सकता. ठीक है, यहां पर एक सेकंड देखना दोबारा से. तो यहां पर आपको क्या है, दोबारा से बता रहा हूं, टर्नरी ज्वाइंट में एक ज्वाइंट से हमारे तीन लिंक कनेक्टेड है. ठीक है, तो लिंक टू लिंक वन के रेस्पेक्ट में मोशन कर सकता है, लिंक थ्री लिंक टू के रेस्पेक्ट में मोशन कर सकता है रिलेटिव मोशन, एंड लिंक थ्री इज ऑल्सो डू द रिलेटिव मोशन विद रेस्पेक्ट टू लिंक वन. तो यहां पर आपको देखने में अभी तीन रिलेटिव मोशन दिख रहे हैं, पर इसमें से सिर्फ दो ही रिलेटिव मोशन मेरे इंडिपेंडेंट है. इसका मतलब क्या इंडिपेंडेंट है, अगर मुझे रिलेटिव मोशन ऑफ टू, अगर मुझे रिलेटिव मोशन ऑफ टू विद रेस्पेक्ट टू वन पता है और मुझे रिलेटिव मोशन ऑफ थ्री विद रेस्पेक्ट टू वन पता है, तो मैं रिलेटिव मोशन ऑफ थ्री विद रेस्पेक्ट टू वन अपने आप कैलकुलेट कर लू. ठीक है, तो यहां पर इंडिपेंडेंट मोशन कितने हैं, दो. तो इस केस में अगर कहीं पर आपका टर्नरी ज्वाइंट है, तो टर्नरी ज्वाइंट में ये एक ज्वाइंट आपका दो बाइनरी ज्वाइंट के बराबर, तो वन टर्नरी ज्वाइंट इज इक्वल टू टू बाइनरी ज्वाइंट. दिस इज बाइनरी ज्वाइंट, बाइनरी ज्वाइंट में इसको मैं एक बार काउंट करूंगा. ठीक है, ये मेरे लिए एक ज्वाइंट है. पर यहीं पर अगर टर्नरी ज्वाइंट की बात करूंगा और मुझे नंबर ऑफ ज्वाइंट्स काउंट करने हैं, तो एक टर्नरी ज्वाइंट दो बाइनरी ज्वाइंट के बराबर है. जब भी मैं यहां पर काउंटिंग करूंगा, देन दिस वन टर्नरी ज्वाइंट इज इक्वल टू टू बाइनरी ज्वाइंट फॉर मी. ठीक है, इसी तरह से अगर एक रिवोल्यूट पेयर से चार आपके लिंक्स कनेक्टेड है, ठीक है, वन टू थ्री फोर, तो सिमिलरली अगर आप यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात रिलेटिव मोशन की बात करो, तो टू विद रेस्पेक्ट टू वन रिलेटिव मोशन कर सकता है, थ्री विद रेस्पेक्ट टू वन रिलेटिव मोशन कर सकता है, फोर विद रेस्पेक्ट टू वन रिलेटिव मोशन कर सकता है, थ्री टू के रेस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन कर सकता है, ठीक है, टू फोर के रेस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन कर सकता है, एंड फोर थ्री के रेस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन कर सकता है. तो यहाँ पर टोटल सिक्स रिलेटिव मोशन पॉसिबल, बट इसमें से सिर्फ तीन ही इंडिपेंडेंट है. मीन्स इसका मतलब क्या है, मुझे आप कोई भी तीन रिलेटिव मोशन बता दो, तो बाकी तीन मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ उनकी हेल्प से. तो इंडिपेंडेंट कितने, तीन, कोई भी तीन. ठीक है, कोई भी तीन बता दो, आप मुझे ये वाला बता दो, ये वाला बता दो, ये वाला बता दो, तो ये तीनों मैं अपने आप कैलकुलेट कर सकता. तो एक क्वार्टनरी ज्वाइंट किसने के बराबर है, वन क्वार्टनरी ज्वाइंट इज इक्वल टू थ्री बाइनरी ज्वाइंट. ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है, वन बाइनरी ज्वाइंट इक्वल टू वन बाइनरी ज्वाइंट, वन टर्नरी ज्वाइंट इक्वल टू टू बाइनरी ज्वाइंट, वन क्वार्टनरी ज्वाइंट इक्वल टू थ्री बाइनरी ज्वाइंट. तो जैसा ज्वाइंट होगा उससे एक कम बाइनरी ज्वाइंट के बराबर. ठीक है, तो जब आगे हम प्रॉब्लम करेंगे जहां पर नंबर ऑफ लिंक्स और नंबर ऑफ ज्वाइंट्स हमें काउंट करने हैं, तो वहां पर ये कॉन्सेप्ट आपके बहुत काम आए. ठीक है, सो स्टूडेंट्स, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज काइनेमेटिक चेन. ठीक है, तो अभी तक अभी हमने क्या देख लिया है, हमने अभी टाइप्स ऑफ व्हाट इज मैकेनिज्म, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैकेनिज्म एंड मशीन. ठीक है, तो हमने जो मशीन की डेफिनेशन देखी थी उसमें हमें एक एक जो इम्पोर्टेंट मैंने अंडरलाइन आपसे कराया था उसमें से मैं एक एक पॉइंट उठा के अभी तो चल रहा. ठीक है, तो हमने काइनेमेटिक रेजिस्टेंट बॉडीज के बारे में देख लिया, काइनेमेटिक लिंक्स के बारे में देख लिया. ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ काइनेटिक लिंक्स, जो काइनेमेटिक लिंक्स जो पॉसिबल है उनके बारे में देख लिया है. ठीक है, रिलेटिव मोशन किस तरह के होते हैं एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिलेटिव मोशन आर पॉसिबल बिटवीन द काइनेमेटिक लिंक्स वो देख लिया है. काइनेमेटिक लिंक्स को एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट में रखने के लिए जो ज्वाइंट जो पेयर है वो देख लिए हैं. ठीक है, और वो ज्वाइंट वो पेयर कब काइनेमेटिक पेयर कहलाएंगे वो देख लिए. ठीक है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमने काइनेमेटिक पेयर देख लिए हैं जहां पर हमने ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस एरिया, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टेक्ट क्लासीफाई किया, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव मोशन क्लासीफाई किया, एंड ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रेंट क्लासीफाई किया. ठीक है, नाउ कम्स टू द नेक्स्ट टॉपिक, काइनेमेटिक चेन. ठीक है, तो टू कंस्ट्रक्ट अ काइनेमेटिक चेन, मुझे ये अभी तक मैंने जितना पढ़ा है ये सबकी नॉलेज चाहिए, इसलिए मैंने अभी आपको थोड़ी सी समरी दे दी है यहाँ पर. ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं व्हाट इज काइनेमेटिक चेन, एक बार जरा मार्कर ले लूं मैं. यस, व्हाट इज काइनेमेटिक चेन. ठीक है, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे धीरे धीरे,
और इंपॉर्टेंट टर्म्स को अंडरलाइन करते चलेंगे. इफ ऑल द लिंक्स आर कनेक्टेड इन सच अ वे दैट फर्स्ट लिंक इज कनेक्टेड टू द लास्ट लिंक इन ऑर्डर टू गेट अ क्लोज्ड चेन. ठीक है, ये लाइन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट लिंक इज कनेक्टेड टू द लास्ट लिंक इन ऑर्डर टू गेट अ क्लोज्ड चेन. तो कोई भी सिस्टम है मेरे पास जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिंक्स और डिफरेंट नंबर ऑफ लिंक्स अवेलेबल. ठीक है, तो इफ दोज लिंक्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्टेड है और एक क्लोज्ड चेन फॉर्म कर रहे हैं, मींस फर्स्ट लिंक इज समहाउ कनेक्टेड टू द लास्ट लिंक. ऐसा कब पॉसिबल है? जब वो सब एक क्लोज्ड चेन की फॉर्म में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो. ठीक है, एंड इफ ऑल द रिलेटिव मोशन इन द क्लोज्ड चेन आर कंस्ट्रेंड देन सच अ चेन इज नोन एज काइनेमेटिक चेन और कंस्ट्रेंट. तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर मेरे पास कोई सिस्टम अवेलेबल है जहाँ डिफरेंट नंबर ऑफ लिंक्स मेरे पास है एंड दीज ऑल डिफरेंट नंबर ऑफ लिंक्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर इन सच अ वे दैट दे फॉर्म अ क्लोज्ड चेन, तो इस तरह के अरेंजमेंट को मैं क्या बोलूंगा? ओनली चेन. बट इफ इन दिस चेन, ठीक है, जितने भी रिलेटिव मोशन मुझे इस चेन के अंदर मिल रहे हैं दे ऑल आर कंस्ट्रेंड रिलेटिव मोशन, ठीक है, देन दैट चेन इज नोन एज काइनेमेटिक चेन. तो चेन तो बनाना बहुत इजीली है, सारे लिंक्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर दो एंड देयर शुड बी अ क्लोज चेन इन दैट फॉर्म दैट फर्स्ट लिंक इज कनेक्टेड विद द लास्ट लिंक. बट दैट चेन व्हेन दैट चेन इज नोन एज काइनेमेटिक चेन, वो चेन काइनेमेटिक चेन कब बोली जाएगी? ठीक है, तब जब जितने भी मेरे पास रिलेटिव मोशन पॉसिबल है, ठीक है, इन डिफरेंट लिंक्स, वो सब कैसे हो? कंस्ट्रेंड रिलेटिव मोशन, then that chain is known as kinematic chain. ठीक है, तो अगर मैं सारी definitions की बात करूं, चाहे kinematic links की बात करूं, चाहे kinematic pair, चाहे kinematic chain, तो जहां पर भी kinematic term मैं लगा रहा हूं वहां पर मैं एक term साथ में जरूर रख रहा हूं, constraint motion. ठीक है, तो अगर कहीं पर kinematic term आप use करो, kinematic pair, चाहे kinematic link, चाहे kinematic chain, तो वहां पर constraint relative motion अपने आप आ जाएगा. ठीक है, तो दीज बोथ गो हैंड इन हैंड. ठीक है, चलो, तो मुझे काइनेमेटिक चेन बनानी आ गई. ठीक है, नंबर ऑफ लिंक्स लो, एक दूसरे के साथ जोड़ दो इन सच अ वे दैट दे फॉर्म अ क्लोज चेन एंड इन दैट क्लोज चेन वी गेट कंस्ट्रेंट रिलेटिव मोशन. सो दैट चेन इज नोन एज काइनेमेटिक चेन. बट व्हेन दैट काइनेमेटिक चेन इज नोन एज मैकेनिज्म. काइनेमेटिक चेन मुझे बनाना आ गया, बट ये काइनेमेटिक चेन मैकेनिज्म कब बनेगी? तो काइनेमेटिक चेन को मैकेनिज्म बनाने के लिए आई हैव टू फिक्स वन ऑफ द लिंक. काइनेमेटिक चेन का कोई एक लिंक अगर मैं फिक्स कर दूं, ठीक है, देन दैट काइनेमेटिक चेन इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिज्म. ठीक है, तो काइनेमेटिक चेन बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? काइनेमेटिक लिंक चाहिए, काइनेमेटिक पेयर चाहिए. ठीक है, और इन काइनेमेटिक लिंक्स को काइनेमेटिक पेयर की हेल्प से मुझे इस तरह से फॉर्म करना है कि मेरे पास एक क्लोज्ड चेन बन जाए, देन दैट चेन इज नोन एज काइनेमेटिक चेन. बट अभी भी मैं उस काइनेमेटिक चेन को मैकेनिज्म नहीं बोल सकता. तो काइनेमेटिक चेन मैकेनिज्म कब बनेगी? अगर मैं उस काइनेमेटिक चेन का कोई एक लिंक फिक्स कर दूं, ठीक है, देन दैट काइनेमेटिक चेन इज नोन एज मैकेनिज्म. ठीक है, तो मैकेनिज्म मैं जानता हूं क्या है. मैकेनिज्म विल गिव डिजायर्ड आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू इनपुट. जैसी मैं इनपुट दूंगा उसके रिस्पेक्ट में जो डिजायर्ड आउटपुट है वो मुझे यहां पर मिल जाएगा. ठीक है, तो डिजायर्ड आउटपुट यहां पर पहले से फिक्स है क्योंकि जितने भी मोशन है वो कौन से हो रहे हैं? कंस्ट्रेंट रिलेटिव मोशन हो रहे हैं. ठीक है, मीन्स ओनली वन टाइप ऑफ मोशन इज पॉसिबल, तो वही मेरी क्या होगी? डिजायर्ड आउटपुट. और मैकेनिज्म को मैं मशीन कब बोलूंगा? ठीक है, चेन से, काइनेमेटिक चेन से मैं मैकेनिज्म तक आ गया हूँ, बट हाउ दिस मैकेनिज्म इज नोन एज मशीन. तो ये डिफरेंस मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ. अगर मैं मैकेनिज्म को किसी यूजफुल, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज कर रहा हूँ, देन दैट मैकेनिज्म इज नोन एज मशीन. तो वेन एवर वी यूटिलाइज द मैकेनिज्म, ठीक है, इट विल कन्वर्टेड, इट विल कॉल्ड एज मशीन. ठीक है,
which can give us desired output with respect to desired input. तो मशीन और मैकेनिज्म में कोई डिफरेंस नहीं है बड़ा, सिर्फ एक डिफरेंस है, अगर मैं मैकेनिज्म किसी डिजायर्ड आउटपुट किसी यूजफुल वर्क के लिए यूज कर रहा हूं देन दैट मैकेनिज्म इज नोन एज मशीन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आप लेक्चर की शुरुआत से देखें तो हमने मशीन की डेफिनेशन पढ़ी थी, और मशीन की डेफिनेशन में जो टर्म्स यूज हुए थे उनसे हमने धीरे धीरे काइनेमेटिक लिंक्स, काइनेमेटिक पेयर, ठीक है, और काइनेमेटिक लिंक्स और पेयर ऑफ रिलेटिव मोशन की नॉलेज के बेसिस पे हमने क्या डिजाइन करना सीखा, काइनेमेटिक चेन कैसे बनेगी, और काइनेमेटिक चेन को हम कैसे मैकेनिज्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, बाय फिक्सिंग वन लिंक। ठीक है, किसी एक लिंक को फिक्स करने से जो चेन है वो मेरी मैकेनिज्म बन जाए। ठीक है, कंस्ट्रेंड मोशन होना चाहिए। ठीक है, और मैकेनिज्म को कैसे हम मशीन बोल सकते हैं ये अभी तक हमने देख लिया। तो आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं, और होप यू ऑल एंजॉय द लेक्चर। ठीक है, और कोई भी डाउट कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओ।